हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के पोस्ट पर अभी जो वैकेंसी निकली हुई ना, इसमें दोस्तों अप्लाई डेट को भी बढ़ा दिया गया है और दोस्तों पोस्ट को भी बढ़ा दिया गया। और खुशखबरी ये है कि काफी दोस्त यहाँ पर हाइट की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, अब दोस्तों आपको हाइट में भी छूट मिल जाएगी और दोस्तों एज में भी आपको छूट देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो अगर आप चाहते हैं ऐसी सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो पोस्ट निकाली गई थी वो 9212 यहाँ पर पोस्ट निकाली गई थी, अब दोस्तों यहाँ पर बढ़ाकर 9360 पोस्ट कर दी गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 9360 पोस्ट यहाँ पर हो चुकी है। अब दोस्तों इसकी अप्लाई लास्ट डेट 2 मई इसकी लास्ट डेट है, तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बाद में शायद चलती नहीं है और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, तो आपको अभी से फटाफट से अपने फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर केवल 100 रुपए फीस लगेगी, फीस भी यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं है। और एज लिमिट जो आपकी एज काउंट की जाएगी ना वो 1/8/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, मतलब इतनी एज में आपकी 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले यहाँ पर ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों पहले 21 से 27, अब यहाँ पर दोस्तों इसको बढ़ाकर आपको 3 साल यहाँ पर बढ़े हुए दिख जाएंगे, यानी 21 से 30 साल यहाँ पर कर दिए गए हैं। और दोस्तों आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो दोस्तों आपको 3 साल की और छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी एज 21 से 33 साल है तो आप ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ड्राइवर पोस्ट के लिए आपके पास हैवी डीएल होना चाहिए, यानी 10th पास और साथ में आपके पास हैवी डीएल, तभी आप ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आप ध्यान से समझ लीजिए, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1/8/1993 से 1/8/2002 के बीच है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए। और अदर पोस्ट के लिए 18 से पहले 23 साल थी, अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 18 से 26 साल कर दी, यानी आपको 3 साल की और छूट यहां पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो दोस्तों आपको 3 साल की और छूट यहां पर देखने को मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका जन्म 2/8/1997 से 1/8/2005 के बीच हुआ है तो आप इसमें फॉर्म अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आप एज में छूट भी देख सकते हैं, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट और SC/ST वालों को यहां पर 5 साल की एज में छूट देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड आपके 20 जून 2023 को आपके एडमिट कार्ड कंडक्ट कराए जाएंगे और एग्जाम जो होगा वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 13 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आपने सिंपल 10th पास का रखा है ना आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हाइट की बात करें, पहले यहाँ पर 1.70 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर घटाकर 1.65 सेंटीमीटर कर दी गई है मेल कैंडिडेट की, और फीमेल की आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.55 सेंटीमीटर ये फीमेल की हाइट हो गई। अब दोस्तों इसका सिलेबस भी आप यहां पर देख लीजिए, आप लोगों का ये भी डाउट होता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, और दोस्तों इसमें आपको समय कितना दिया जाएगा वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी रहेगी, अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका यहाँ पर 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो भी आप देख लीजिए, जीके एंड जीएस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और हिंदी एंड इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका नॉर्मल सा सिलेबस है, अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करते हैं तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसी नौकरी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो हम मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।